सत कपार है उनका, उनका सत कपार है, उनका सत कपार है। करे बाद जो ने उनके अथवा पूरा चलन हर 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 कान जैसे आंधी चला, आवाज धीरे से जैसे आनी आवाला। हां जो घर में है कि ने उन्हें कह दिला बाबा तू जा अपन घर बाल बच्चा देख ले ना, तो पांव दे जाए अगर दे जाए तो बस तुरंत बाबा वो धार तपन रोटी देवल मारो दिया दा उते निकल लिए तो भाई लिए बाकी ना निकल ई बाबा ना निकलना है ई बाबा ना निकलना तो ही के है वो तो बड़ो बाबा जन आता ने धार तपन दे तो ली वाला के मन अभी ना निकलत हूं तब ना डाउट होता मानन के भाई। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड्डू मोरया सर मित्र पर। आज का रेस्क्यू कॉल हमें आजमगढ़ जिले के महनाजपुर मार्केट के पास में एक गांव पड़ता है ना, ये बस्ती, वहां से आया हम लोग, मौके पर आ चुके हैं। चलिए देखते हैं कहाँ पे और कौन सा सांप है। आराम से तुम आने, ये तो अंडे के साथ में है। ओहो, इसीलिए अंडा अंडा है ना, इसीलिए तो देखिए अंडे को जा ही ना रहे, अंडा का मतलब है ये अंडे के साथ में इसीलिए नहीं जा रहे हैं। आज ये सफेद सफेद कुछ हो और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा सांप है, एक फीमेल कोबरा सांप है जिसने यहाँ पे अंडा भी दिया हुआ है और अपने अंडे को प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ पे बैठी हुई है, अपने अंडे के ऊपर घेरा बना के यहाँ पे बैठी हुई। यह एक नागिन है जो कि अपने अंडे की सुरक्षा के लिए यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिल रही, जैसा इन्होंने हमें बताया। ये लोग अपने घर की साफ सफाई कर रहे हैं और काफ़ी बार इन्होंने इसको यहाँ से भगाने का प्रयास किया लेकिन ये अपने जगह से हिल भी नहीं रही है, तो हम लोग भी इसको यहाँ से हटाना बिल्कुल भी नहीं चाहते लेकिन इसकी जान बचाने के लिए, इसके अंडों को बचाने के लिए हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। यदि हम लोग इसको यहाँ से नहीं हटाएंगे और जंगल में ले जाकर के नहीं रिलीज करेंगे तो जिनका घर है वो इसको मार देंगे, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए इसको जान से मार देंगे, जो कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसलिए हम लोग इसको अंडों सहित ले जाकर के इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज करेंगे। देख रहे हैं मतलब कैसे घूम के बस अपने अंडे के पास चली जा रही है, अपने बच्चे के लिए प्रेम हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। हम लोग इसको जब भी यहाँ से हटाने का प्रयास कर रहे हैं ये वापस से घूम के उसी स्थान पर चली जा रही है और अपने अंडों व बच्चों की रक्षा के लिए ये लड़ने को भी तैयार है और फुंकार भी रही है और डराने का भी प्रयास कर रही है। तो हम लोग इसको बिना परेशान किए आसानी से सुरक्षित ढंग से यहाँ से निकालेंगे, इसके साथ बिल्कुल भी जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर ये थोड़ा वक्त लेती है तो हम लोग इसको पूरा पूरा वक्त देंगे और यहाँ से इसको और इसके अंडे को ले जा करके किसी सुरक्षित स्थान पर रिलीज कर देंगे। हम लोग साफ साफ देख सकते हैं इसके पास पूरा पूरा मौका है यहाँ से भाग जाने के लिए लेकिन ये यहाँ से भागने का बिल्कुल भी नहीं सोच रही है क्योंकि इसे पता है कि मेरे बच्चे मतलब कि इसके अंडे यहाँ पर हैं और अगर ये इसको छोड़ के चली जाएगी तो हो सकता है यहाँ पे मौजूद लोग उसको हार्म कर दे, उसको नुकसान पहुँचा सकते, इसलिए वो आखिरी दम तक उसकी सुरक्षा करना चाहती है। और इस तरह का नज़ारा देखना वाकई में अपने आप में एक तरह से कहें तो किस्मत वाली बात होती है, मतलब सब लोगों के नसीब में नहीं होता है ऐसा देखने के लिए कि किस तरह से एक माँ की ममता हमें दिखाई दे रही है, एक नागिन किस तरह से अपने बच्चे को बचा रही है। जो वो जीव जो इंसानों को देखते ही अपनी जान बचा के बहुत दूर भाग जाते हैं वो आज बिल्कुल भी नहीं भाग रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने अंडे और बच्चों के लिए।
तो हम लोग बिना समय गवाए इसको बाहर की तरफ लेके चलते हैं और इसको बैग में पैक करने के बाद यहाँ इसके अंडों को भी ले जा करके यहाँ से दूर इनके अनुकूलित वातावरण में रिलीज कर दिया जाएगा। जिस तरह से हम लोग सांप को ट्रीट करते हैं ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सरल लग सकता है, लेकिन ये जितना ज़्यादा सरल दिखाई देता है उतना ही ज़्यादा कठिन है और खतरनाक भी है। तो आप लोगों से विनम्र विनती है कि आप लोग कभी भी सांप को इस तरह से ट्रीट करने या फिर पकड़ने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आपके पास इनसे संबंधित प्रशिक्षण नहीं होगा और इनके बारे में जानकारी भी नहीं होगी। हम लोग सांपों को ट्रीट करते हैं तो इसके लिए हम लोगों ने पूरा प्रशिक्षण लिया हुआ है, हमारे पास काफ़ी सालों का अनुभव तथा सांपों के बारे में अच्छी जानकारी, तब कहीं जा करके हम लोग इतनी सरलतापूर्वक इनको ट्रीट कर पाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी किसी को स्नैक बाइट यानी कि सर्पदंश हो तो आप लोग बिना वक्त गवाए अपने सबसे नज़दीकी सर्पदंश के अस्पताल में जा करके उचित ट्रीटमेंट लें, क्योंकि स्नैक बाइट के बाद सर्पदंश के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एंटीवेनम सीरम ही बचा पाएगा, किसी भी झाड़फूँक या तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़े, ना ही किसी अन्य जगह जा करके अपने वक्त को जाया करें। तो अब हम लोग इसको बैग में पैक करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं आसानी से चला जाता है फिर थोड़ा वक्त लेता है। हमें जहाँ तक उम्मीद है ये थोड़ा वक्त लेगा क्योंकि इसका अंडा अंदर की तरफ छूटा हुआ है, तो देखते हैं हम लोग इसको पूरा वक्त देंगे, इसके साथ बिल्कुल भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इनको बचाने का अधिकार है, इनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने का अधिकार हमारा बिल्कुल भी नहीं है। हम जब भी कर सकते हैं सिर्फ इनकी सुरक्षा कर सकते हैं, इनको सुरक्षित कर सकते हैं। तो चलिए बैग में रखने का प्रयास करते हैं और आप लोग देख सकते हैं ये चला गया, ज़्यादा वक्त नहीं लिया इसने। अब हम लोग इसके अंडों को भी उठा लेंगे और यहाँ से ले जाने के बाद इनके अनुकूलित वातावरण में रिलीज किया जाएगा। बैग में रख लीजिए ना, ठीक ठीक तो देखो गंगा सब कुछ यही ना बोलते ना नहीं वो अंडे के पास आगे बैठ गया, अंडा छोड़ के नहीं जाएगा। नाना पीछे बोला मुझे बस पता नहीं किसी के से रखते हैं कहाँ वही किलो डर किलो रहा यूँ भी जाता है ऐसे रखते हैं जन पारमा ना रहे। और यहाँ पर हम लोग सांप को रिलीज करने के लिए आ चुके हैं, हम लोग चलेंगे इसके अनुकूलित जगह ढूंढेंगे, क्योंकि ये अंडों के साथ में है तो हम लोग इसको कहीं पर भी नहीं रिलीज कर सकते। हम लोग इसके लिए बिल नुमा कोई स्थान ढूंढेंगे, अगर कोई हमें उचित स्थान मिल जाता है तो ठीक है, यदि नहीं मिलता है तो हम लोग खुद से इसके लिए इसके अनुकूलित स्थान बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं ढूंढते हैं। और हमें काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद जब इसके अनुकूलित स्थान नहीं मिला तो हम लोगों ने खुद से इसके लिए स्थान तैयार किया, और आप लोगों ने देखा हमने इसके अंडों को भी इसके अंदर स्थापित कर दिया यानी कि रख दिया है। अब हम लोग सांप को भी इसी बिल के अंदर छोड़ देंगे, और हम लोगों ने साथ में वहाँ की मिट्टी भी लेकर आए थे जिसको हम लोगों ने इसी बिल के अंदर डाल दिया हुआ है, जिससे कि स्मेल से इसको लगेगा कि मेरा सेम स्थान है। और आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी आसानी से इस बिल के अंदर चला गया और अभी इसमें से बाहर भी नहीं आने वाला है, और आप लोग साफ साफ इसके अंडों को भी देख सकते हैं अंदर वाइट वाइट दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों ने कुछ इस तरह से इसके लिए स्थान को बनाया है ताकि ये हर तरह से सुरक्षित रहे और बारिश वगैरह से भी सुरक्षित रहे और अच्छे ढंग से इसके अंडे वगैरह यहाँ पे ग्रो कर पाएँ। और हम लोगों ने आखिरी सुरक्षा के तौर पर यहाँ पर कुछ और घास वगैरह लगा दिया है थोड़ा सा निकलने का स्थान छोड़ करके। हमारा ये कार्य और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जिन लोगों ने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।